हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ ये कहानी है जादुई तोसारी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की कहानी। सोनापुर नामक एक गांव में सुनीता और बबीता नाम की दो लड़कियां रहती थी। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो दोनों पड़ोसी थे। उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा दोस्ती था। सुनीता के घर वाले बहुत ही अमीर थे। उसके पापा का एक फैक्ट्री था, लेकिन सुनीता को किसी भी महंगी चीज का कोई शक नहीं था। वो बहुत सीधी साधी लड़की थी। और बबीता के पापा सुनीता के पापा की फैक्ट्री में ही काम करते थे। उनके घर की हालत उतनी अच्छी नहीं थे, लेकिन बबीता सुनीता से बहुत जलती थी। जब भी सुनीता के पापा सुनीता को कुछ खरीद के देते थे, बबीता भी वो चीज खरीदने के लिए अपने घर पे जीत करते थे। इस वजह से उसके घर वाले बहुत परेशान थे। ऐसे ही एक दिन सुनीता और बबीता घर के बाहर घूम रहे थे। पता है, मेरे पापा ने कल मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद लाए। वो साड़ी इतनी सुंदर है, जो भी देखेगी पागल हो जाएगी। अरे, मेरे पापा ने भी कल मेरे लिए साड़ी लेके आई है, और वो साड़ी तो इस दुनिया की सबसे सुंदर साड़ी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक काम करना, कल सुबह तू अपने साड़ी लेके मेरे घर आ जाना। दोनों एक साथ नए साड़ी पहनेंगे। नहीं नहीं, कल तो मैं नहीं आ सकती। मैं परसों मेरे नई साड़ी लेके तेरे घर आऊंगी। वो दोनों अपने अपने घर वापस चले जाती है। घर जाके बबीता सोचने लगती है, अगर मैं सुनीता को झूठ नहीं बोलती कि मेरे पास भी साड़ी है, फिर वो मेरे मजाक उड़ाती। जैसे भी हो मम्मी से कह के सुनीता जैसे साड़ी खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं परसों सुनीता को जाके क्या कहूँगी। बबीता ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पे बबीता की मम्मी आ जाती है। बबीता उसकी माँ को देख के रोने लगी। उसको देख के उसकी माँ बोली, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ बोला क्या तुमको? माँ, सुनीता के पापा सुनीता के लिए एक बहुत ही अच्छा साड़ी खरीद लाई है। मुझे भी वैसा ही साड़ी चाहिए, आप मुझे साड़ी खरीद के दो। लेकिन बेटी, सुनीता के पापा बहुत अमीर है, उनके पास जितने पैसे हैं, वो तो रोज नई साड़ी खरीद सकती है, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है। और एक चीज हमेशा याद रखना, कभी किसी के पैसे देखकर उससे जलना नहीं चाहिए माँ, क्योंकि उन्होंने भी तो वो पैसे मेहनत से कमाई है, और अगर तुम भी मेहनत करोगे तुम भी उनकी जैसे पैसा कमा सकोगे। मुझे आप ज्ञान मत दीजिए, मैंने सुनीता को बोल दिया है कि मेरे पास भी उसके जैसे साड़ी है। आप मुझे कुछ नहीं पता, आप कहीं से भी मुझे साड़ी लाके दीजिए। क्या तुमने झूठ बोला है? मैंने तुमको कितनी बार बोला है, कभी किसी से झूठ नहीं बोलना, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए तुम्हें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। पर बबीता उसकी माँ की कोई बात नहीं सुनती और जोर जोर से रोने लगती है। उसकी माँ बबीता को लेके परेशान हो जाती है। अच्छा ठीक है, आप रोना बंद करो, मैं तुम्हारे पापा को बोल दूंगी तुम्हारे लिए साड़ी खरीद के लाने के लिए। ये सुनकर बबीता खुश हो गई और अपने कमरे में जाके नाचने लगी। अगले दिन उसके पापा काम से लौटते हुए उसके लिए एक साड़ी लेके आई। उसके पापा मन ही मन सोच रहे थे कि ये साड़ी देख के बबीता खुश हो जाएगी। जब उन्होंने बबीता को साड़ी दिया, छी, ये तो बहुत सस्ती साड़ी है, अब मैं सुनीता को मुंह कैसे दिखाऊंगी? क्या आपको पता नहीं है
कि मुझे सस्ती चीजें नहीं पसंद है। बेटी, तुम्हारे पापा के पास जितने पैसे थे उन्होंने उस हिसाब से ही तुम्हारे लिए साड़ी लाई है, और किसी भी चीज की कीमत वो कितने पैसों की है उससे नहीं होती, कौन कितने प्यार से उसे लाया है उससे होती है। ये सुन के बबीता गुस्सा होके उसके कमरे में जाई। अगले दिन सुबह सुनीता अपना साड़ी लेके बबीता के घर आई और आके उससे बोली, मैं सुबह से तेरे लिए इंतजार कर रही थी लेकिन तू आई ही नहीं। ये देख मेरी साड़ी कितनी सुंदर है ना। हाँ, तेरी साड़ी तो बहुत सुंदर है और तू बहुत खुश नसीब है कि तेरे पापा ने तुझे ऐसा साड़ी लगे दिया। क्यों, तुझे भी अंकल ने साड़ी खरीद के दिया है ना। आप मुझे अपना साड़ी तो दिखा। बबीता अंदर जाके अपने साड़ी लेके आती है और उसे नीलम को दिखाती है और उसे सुनीता को दिखाती है। अरे तेरी साड़ी तो कितने सुंदर है लेकिन तूने ऐसा मुंह क्यों लटका रखा है, तुझे पसंद नहीं है क्या। हाँ, मुझे तो ये साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो तेरी वाली साड़ी चाहिए। तू तो मेरी वाली साड़ी रख ले, मैं तेरी वाली साड़ी रख लेती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तू तो मेरी दोस्त है, अगर तू खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगी। सुनीता की ये बात सुनकर बबीता बहुत खुश हो जाती है और वो सुनीता की साड़ी अपने पास रख लेती है और सुनीता भी बबीता की साड़ी लेके अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाता है लेकिन जब से बबीता अपने पास वो साड़ी रख लेती है उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसके पापा की नौकरी भी चला जाता है, उनके घर की हालत बहुत खराब हो जाता है। उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। एक दिन बबीता की माँ बोली, मैं एक जादूगरनी को जानती हूँ, मैं कल उनके घर जाऊंगी, मुझे पता है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अगले दिन सुबह बबीता को माँ बबीता को लेके उस जादूगरनी के पास गई। वो जादूगरनी एक गुफे में रहती थी। वो दोनों उस गुफे के सामने जाके जादूगरनी को बुलाने लगी। तब वो जादूगरनी गुफे से बाहर आई और उनसे बोली, मुझे पता था तुम लोग यहाँ आओगे, मुझे सब कुछ पता है, तुम लोग यहाँ पे क्यों आई हो। जादूगरनी, हमारी मदद कीजिए, हमने तो कोई गलती नहीं की, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि तुम्हारे बेटी ने लालच किया है, तुम्हारे बेटी के पास जो साड़ी है वो एक जादुई साड़ी है, इसका असली हकदार उसकी सहेली सुनीता है, और सुनीता के पास जो जादुई साड़ी है वो बबीता की है। लेकिन बबीता ने लालच किया, उसने अपनी साड़ी सुनीता को दे दिया और सुनीता की साड़ी अपने पास रख ली। मैंने तो जानबूझ के ऐसा नहीं किया लेकिन अभी आप हमें मदद कीजिए, आप सुनीता को गरीब बना दीजिए ना और मुझे उनकी तरह अमीर बना दीजिए। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं, कभी भी आप किसी का हक नहीं छीन सकते, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरी मदद की थी इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम एक काम करना, घर जाके अपनी वो साड़ी पहन लेना, फिर देखना क्या होता है। बबीता जादूगरनी को शुक्रिया कह के वापस आ जाती है, घर आके जल्दी जल्दी वो साड़ी पहन लेती है। साड़ी पहनते ही बबीता एकदम बदसूरत बन जाती है और उसका पूरा चेहरा धब्बे से भर जाता है। वो अपनी ये हालत देखकर
रोने लगती है। बबीता की इस हालत देख के बबीता की माँ अगले दिन फिर से उस जादूगरनी के पास जाती है। क्या हुआ, तुम फिर से आ गए? आपने मेरी बेटी के साथ ये क्या कर दिया? मैंने तो कुछ नहीं किया, ये उसके कर्मों का फल है। वो तो जादुई सारी सबको उनके कर्मों का परिणाम देता है। सुनीता दिल की बहुत अच्छी है, इसीलिए उसके सारी ने उसकी मदद की। लेकिन तुम्हारी बेटी बहुत घमंडी है, वो हमेशा दूसरों की नुकसान करना चाहती है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। कल जब उसने मुझे सुनीता की बुरा करने के लिए कहा, तब तुमने भी उसका साथ दिया, इसीलिए तुम लोग आज से वैसे ही गरीब रहोगे। अब तुम जाओ यहाँ से। बबीता की माँ रोते हुए घर वापस आ गई और उसके बाद से वो लोग गरीबी में ही जीने लगे। उधर सुनीता अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।